बिग बॉस घर के अंदर चल रहा है फूड डिलीवरी टास्क, जिसमें दोस्तों सभी घर वाले टास्क शुरू होने से पहले ही प्रेडिक्टेबल हो गए थे कि ये टास्क तो माहिरा और पारस जीतने वाले हैं। दरअसल दोस्तों टास्क शुरू होने से ही सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज की बातों से पता लग गया था कि उन्होंने एक तरफ से अपने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि घर की लड़कियां पारस के साथ है, जबकि अन्य घर की लड़कियां आसानी से जानती है कि पारस को अगर जिताएंगे तो वो माहिरा को ही सेव करेगा, जबकि वो पारस के अलावा किसी और को जिता ही नहीं सकती, क्योंकि ज्यादातर लड़कियों की दुश्मनी आसीम और सिद्धार्थ शुक्ला से जमकर है। ये बात हमें सीक्रेट रूम में बैठी शेफाली भी कहती हुई दिखाई दी। अब दोस्तों आपको बता दें, घर के अंदर जो बवाल चल रहा है, जो प्रेडिक्ट गेम चल रहा है, उसमें आज खूब सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। दिखाए गए प्रोमो में साफ समझ में आता है कि ये टास्क जितना प्रेडिक्टेबल लग रहा है उतना होने नहीं वाला। घर के अंदर काया पलट होने वाली है, नए सदस्य एंट्री लेने वाले हैं, ग्रुप टूटने वाले हैं, नए दोस्त बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब घर के अंदर कुछ नया ही धमाका होगा और ये बदलाव आज के टास्क से ही शुरू हो जाएगा। जहां पर पारस इस बार अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित हैं और माहिरा भी काफी खुश हैं कि पारस उन्हें टिकट टू फिनाले करवा ही देंगे। जबकि दोस्तों पब्लिक का ये मानना है कि बिग बॉस ने ये टास्क पारस और माहिरा को आगे ले जाने के लिए ही किया है, क्योंकि ये टास्क पूरे तरीके से ही इनके फेवर में नजर आ रहा है। खैर, ये बात तो घर के अंदर भी ये बात आपस में कर रहे थे सभी कंटेस्टेंट, जहां पर शुक्ला और आसिम को ये तय था कि हमारे तरफ से यहां पर गेम लूज पड़ा हुआ है। खैर, अब हम आपको बताते हैं कि इस गेम में ट्विस्ट आएगा कैसे। दरअसल बीते एपिसोड में हमने देखा कि सबसे पहले फूड डिलीवरी की देवोलीना ने, जिन्होंने सीधा जाकर आबरा गडाबरा पारस छाबरा को फूड डिलीवर कर दिया, और उसके बाद में आसिम रियाज को शहनाज ने फूड दिया। आसिम को शहनाज ने फूड दिया, इसमें रश्मि ने काफी अच्छी गेम खेली, उन्होंने खुद को फेयर भी रखा और साथ ही दिमाग भी लगाया। यहाँ पर रश्मि ने ये दिमाग लगाया कि मैं फेयर खेलूंगी और शहनाज को भेजूंगी, ताकि ये नहीं लगे कि हमने उनके तरफ से कोई भी नहीं भेजा। लेकिन अब जो तीसरी डिलीवरी होने वाली है उसमें तहलका मचने वाला है। आरती जिद करेंगी कि वो जाएंगी, जबकि रश्मि जानती है अगर आरती गई तो वो आसिम को दे देंगी और यहाँ पर टास्क आसिम जीत जाएंगे, तो वो आसिम को रोकेंगी, आरती को रोकेंगी। वहीं शहनाज अब जा नहीं सकती, क्योंकि उन्हें एक बार मौका मिल चुका है। माहिरा को जाने का होगा, लेकिन आरती वहां पर काफी ज्यादा लड़ाइयां करेगी। फिर आखिरी में जाकर शेफाली का नाम आएगा, और दोस्तों यहीं पर ये पूरी बाजी पलटती हुई नजर आएगी। शेफाली ने घर में दो तरफा नाम कमाया है, एक तो उनका नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला है, तो एक तरफ उनकी पॉजिटिविटी है। उनका पॉजिटिव ये है खुद के लिए स्टैंड लेना, घर में अगर कोई जानता है तो वो मात्र शेफाली बग्गा ही है। हर टास्क में वो खुद को ऊपर लेकर आती है और खुद के लिए खेलती है, जो कि घर में मौजूद सबसे अच्छी बात है। जहां तक रश्मि देवोलीना का बात है, वो जानती है कि पारस माहिरा को ही टिकट टू फिनाले देंगे, उसके बावजूद वो पारस को सपोर्ट कर रही है। वहीं शेफाली यहां पर ये सोच रही है कि मैं कैसे खुद के सपोर्ट में इस गेम को लाऊं, खुद के फेवर में गेम लाऊं। आज के टास्क में हम देखेंगे कि शेफाली देवोलीना और रश्मि पर भड़कती हुई भी नजर आएंगी, जहां पर शेफाली बग्गा रश्मि और देवोलीना को कहेंगी कि आप महान बन रहे हो तो बनो, क्योंकि रश्मि और देवोलीना उनसे कहेंगी कि हमें आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला को नहीं जितवाना है, क्योंकि वो पक्का आरती को ही सपोर्ट करेंगे, तो हम माहिरा को क्यों ना करें, वो हमारी टीम की है। तो यहाँ पर शेफाली कहेंगी, इसमें टीम क्या है, खुद के लिए गेम खेल लो, आप इतने महान मत बनो। यहीं से होगा गेम का असली ट्विस्ट शुरू। कौन कहाँ पलटेगा, खैर ये तो आज के आने वाले एपिसोड में पता लगी जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तय है, जो तीसरी डिलीवरी होने वाली है वो डिलीवरी होगी सीधा सिद्धार्थ शुक्ला के पास, और तीनों ही घर वालों के पास एक एक पॉइंट हो जाएंगे और कार्य का जो मार्जिन है वो बराबर हो जाएगा। घर वाले सोचेंगे कि कार्य रद्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिग बॉस यहाँ पर नया ट्विस्ट डालेंगे, इस गेम को कंटिन्यू करेंगे कि डिलीवरी होती रहेगी जब तक नतीजा नहीं आ जाता, तो ये गेम चलता रहेगा और एक विनर हम सब के सामने निकल कर आएगा ही। गेम काफी मजेदार है, पारस यहाँ पर भरपूर कोशिश करेंगे सभी लड़कियों को मैनिपुलेट करने की, वहीं रश्मि देसाई निकलेगी आखिर में जाकर गेम चेंजर। देखना दिलचस्प होगा, क्या रश्मि अब की बार आसिम और सिद्धार्थ के पास अपना दोस्ती वाला हाथ बढ़ाती है या नहीं, या फिर ये गेम वही प्रेडिक्टेबल पारस छाबड़ा ले जाएंगे। खैर, जो भी नतीजा निकले, इस टास्क में भरपूर मजा आने वाला है, और टास्क के बाद घर के अंदर आने वाले हैं पूनावाला और साथ ही साथ शेफाली जारीवाला, और उनके साथ हमें नजर आएंगे हिंदुस्तानी भाऊ। कितना एक्साइटेड है आप आज के टास्क के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें खेलो खेलो, और भी खबर जानने के लिए।